गुड मॉर्निंग बच्चों. गुड मॉर्निंग सर. आवाज क्लियर आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग सर. यस सर. गुड मॉर्निंग सर. आवाज क्लियर आ रही है ना? यस सर. यस सर. बच्चों आज लाइट नहीं आ रही है ना अपने? यस सर. तो आपको हो सकता है कि वीडियो जो है ना थोड़ा क्लियर नजर नहीं है, व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा ना, क्योंकि आज लाइट नहीं आ रही. जिस कमरे में आपकी क्लास ले रहा हूँ ना, ये इन्वर्टर से लाइट क्लास हो रही है आपकी. ठीक है? ठीक है बच्चों. ओके चलो आप लोग अपने वीडियो को तो ऑडियो को बंद कर लीजिए और एक दो बच्चों उसको चालू कर लीजिए. आप लोग क्लास चालू करेंगे? तनिषा सैनी, खुशबू, आवाज आ रही सबको? निर्मल सर, स्कूल कब ओपन हो रही है? यस सर. स्कूल बेटा अभी तो यस सर, जितनी जानकारी आपको उतनी हमारे को है, लेकिन जैसे ही आएगा ना सबसे पहले व्हाट्सएप हम आपको डाल देंगे, चिंता मत कीजिए ना. जैसे स्कूल चालू होगा सबसे पहला मैसेज आपके पास पहुंच जाएगा. ओके चलो बच्चों मैं क्लास चालू करता हूँ. देखो एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, लाइट की प्रॉब्लम है इसलिए आपकी इन्वर्टर से क्लास चालू है. तो हो सकता है कि व्हाइट बोर्ड पर आपको कुछ लेटर समझ में नहीं है, तो मैं रिपीट करूंगा उसको ना दो तीन बार. जो कल हम लोग पढ़ रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड पढ़ रहे थे, ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं. तो उसमें मैंने तीन तो आपको बता दी थे बच्चों, अब तीन जो चौथा प्रकार है वो है पुनरुद्भवन. एक बार ध्यान देंगे, मैंने बता दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधियां हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. पहला प्रकार अगर बात हम करें, पहली विधि बताई थी मैंने आपको कि अलैंगिक जनन की पहली जो विधि है जो कल पढ़ चुके, खंडन है, एक विखंडन है, एक मुकुलन है. और मुकुलन के दौरान बनने वाली अलैंगिक संरचना को क्या कहते हैं बच्चों? मुकुल कहते हैं. ये ध्यान दोगे क्या कहते हैं? मुकुल. हाँ थोड़ा बच्चों मुकुल में थोड़ा छूट गया हल्का सा, मैं वापस वो कर दूं. कल हमने जो बर्डिंग पढ़ा था मुकुलन जो पढ़ा था बच्चों, मुकुलन के दौरान आपको मैं समझा दी था कि यू कह सकते कि जनक जो कोशिका होती है, यानी जनक कोशिका होती है, उस कोशिका के बाहर, यानी उस कोशिका के बाहर एक किसका निर्माण होता है? मुकुल का निर्माण होता है. और कोशिका का जो केंद्रक विभाजन करके एक केंद्रक तो चला जाता है मुकुल में और एक रह जाता है मातृ कोशिका में. यहां तक क्लियर हो गया था? और कभी कभार क्या होता है कि मुकुल से मुकुल बनता है जिसे हम लोग टोरुलेशन या टोरुला कहते हैं. अब बडिंग की बात आती है कि बडिंग यानी मुकुलन किसी सजीव कोशिका, यानी जो जनक कोशिका जो जनन क्रिया कर रही है, जैसे इष्ट है या हाइड्रा है, समझ आ रहा है, या स्पंज है या साइफन है, समझ आ रहा है आपको, यानी स्पोंजिला है. तो ये ऐसे सजीव हैं, ये ऐसे जनक है जो मुकुलन विधि से जनन करते हैं, मुकुलन विधि से. ओके बच्चों तो यहां पर ध्यान दीजिए, बडिंग जो होता है यानी बड का निर्माण के आधार पर मुकुलन दो प्रकार का हो गया. एक तो कौन सा? इंटरनल यानी अंत मुकुलन. ओके और दूसरा क्या हो गया? बाह्य मुकुलन. इसको आप समझो बच्चों एंडो बडिंग, ये तो आप समझ रहे होंगे एंडो, और ये कौन सा होता है? एक्सो बडिंग. अब कॉमन सी बात है, अंत मुकुलन का अर्थ क्या होता है? जब किसी जनक कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर अगर मुकुलन बने तो उसे क्या बोलेंगे? अंत मुकुलन. यानी उस कोशिका के अंदर मुकुल बने. और ये बनता है बच्चों स्पोंजिला. स्पोंजिला यानी स्पोंजिला जो कवक है उसके अंदर, यानी स्पोंजिला के अंदर मुकुलन कौन सा बनता? अंत बनता है. और बाह्य मुकुलन का उदाहरण आप लोग जानते ही हैं, जैसे कि इष्ट है, स्पंज हो सकते हैं, ओके, साइफन है और हाइड्रा. बच्चा आप समझ पा रहे हैं क्या? आवाज आ रही है क्लियर आप तक? सोनाक्षी शर्मा, यस सर. यस सर. आप समझ पा रहे होंगे मुकुल के बनने के आधार पर मुकुल yes, प्रकार की होती है, दो प्रकार के. स्पोंजिला की बात हम करें, इसमें मुकुल इस प्रकार बनता है बच्चों, ध्यान दो, इसमें मुकुलन जो होता है वो कोशिका के एक्चुअल में क्या बनता है? अंदर, ऐसे यहां अंदर बनता है, ऐसे, समझ आ रहा है आपके? यानी इसमें मुकुल का बनते अंदर बनता है ऐसे, आप समझ पा रहे होंगे. अब ये मुकुलन जो बनते हैं और बने किसे? इसी कोशिका बने, ओके. और ये यानी इसीलिए इस विधि को क्या अंत मुकुल बोलेंगे, और अंत मुकुलन के बाद ये बनने वाले मुकुल यहां से अलग होकर बाहर आकर नवीन स्पोंजिला का निर्माण करते हैं. और बाह्य मुकुलन का आपको कल बता दी थी मैंने आपको, इष्टमी हाइड्रा. अगर बात हम करें हाइड्रा की बात हम करें बच्चों, देखो एक बार ध्यान दो, हाइड्रा की बात हम करें, यानी ये अगर ये हाइड्रा है, ओके बच्चों, पर हाइड्रा में ये क्या होते हैं बच्चों? इसके
स्पर्शक होते हैं, ये ध्यान दोगे इसके स्पर्शक है। ओके, इन्हीं सहायता से क्या करते हैं, मूवमेंट करता है और गति और उसका सभी दलों का पता भी लगाता है। अब कभी कभार क्या होता है कि जो हाइड्रा नामक जो जीव है, समझ आ रहा है, जो सिलेंड्रा सिलेंडर इसमें स्पर पाए जाते हैं, इसमें कभी कभार क्या होता है कि यहाँ वायुवर्धित में एक बही मुकुलन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों, बही मुकुलन, और यही बही मुकुलन यानी यही बही मुकुलन वर्दी करके, यानी बही मुकुलन वर्दी कर लेते हैं और वर्दी करके इसी मुकुलन के अंदर आगे जाकर के इसका निर्माण हो जाता है मुख का निर्माण होता है और उसमें छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, स्पर्शक बन जाते हैं। अब ध्यान देना भाई, ये तो इसके स्पर्शक है, जनक के स्पर्शक है, ओके, और ये इसका क्या है, माउथ है। तो इसी जनक हाइड्रा यानी ये कौन है बच्चों, जनक हाइड्रा है, और ये यहां पर आप देख रही है क्या बनी, यहां पर बड बने, इस बड के अंदर मुख का विकास होगा, छोटे स्पर बनेगा। अब ये बड यहां से क्या होगी, अलग होगी, होगी ना, और अलग होकर यानी ये बड यहां से अलग होने के बाद में एक नए हाइड्रा में बदल जाती है। आप समझ पा रहे होंगे, यानी एक नए हाइड्रा का निर्माण या उत्पत्ति होती है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि इस हाइड्रा नामक जीव के अंदर, यानी हाइड्रा नामक जो जलीय जीव है सेलेंटेट्रा संघ का, इसके जनक में किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि जनक से एक बहिर्वर्धी यानी आउट ग्रोथ या इंटरनल ग्रोथ, कॉमन सी बात है, मुकुल या तो कहां बनेगा, सतह के बाहर या सतह के अंदर बनेगा। तो स्पोंजिला जो है, स्पोंजिला में कहां बनता है, अंतमुकुलन, और बाकी इष्ट की बात हम करें, हाइड्रा की बात हम करें, साइफन में कहां बनता है, भाई। तो ये डायग्राम समझ आ रहा है आपके, समय ये समझ आ रहा है बच्चों? यस सर। एग्जाम्पल याद करोगे, परिभाषा क्या लिखो, अंतमुकुलन यानी कॉमन सी बात है, एलेंगजेन की वह विधि जिसमें किसी जनक यानी जनक की आंतरिक सतह पर, जनक की आंतरिक सतह पर अगर मुकुल का निर्माण होता है तो उसे अंतमुकुलन कहते हैं, और अगर बाहर होता है तो वही मुकुलन कहते हैं। अब दोनों ही मुकुलन के अंदर बनने वाली संरचना को क्या बोलते हैं, मुकुल। तो प्रश्न यह बन गया कि मुकुलन विधि या मुकुलन अलैंगिक जनन में बनी अलैंगिक संरचना का, जैसे लैंगिक जनन में बनने वाली संरचनाओं को बोलते हैं युग्मक, गैमेट्स। तो यह मैंने आपको दो दिन पहले बता दिया था कि अलैंगिक जनन में बनने वाली संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं, या तो बोलते हैं बड बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं, जेम्यूल बोलते हैं, या तो जेम्यूल, ओके, क्या बोलते हैं, जेम्यूल। तो यहां पर आप देखेंगे स्पोंजिला की बात हम कर रहे हैं, इनके अंदर जो अंतर मुकुल जो बनता है उसे हम बड भी कहते हैं और जेम्यूल कहते हैं, क्या बोलते हैं, जेम्यूल, यानी अंत मुकुल को क्या कहते हैं बच्चों, जेम्यूल कहते हैं, ये याद रखोगे। तो अलैंगिक जनन में बनने वाली संरचनाओं के नाम मैं पहले आपको बता चुका हूं, ओके, जिन्हें हम लोग बीजाणु कहते हैं, जिन्हें हम कोनोडिया कहते हैं, ये बात हमारी पहले भी हो चुकी है। तो ये प्रश्न आ सकते हैं कि अलैंगिक जनन के दौरान बनने वाली अलैंगिक संरचनाओं के को क्या कहते हैं, तो क्या कह सकते हैं, कलिका कह सकते हैं, मुकुल कह सकते हैं, जेम्यूल कह सकते हैं, कोनोडिया कह सकते हैं, और जीवाणु क्या बोलते हैं, बीजाणु कह सकते हैं, बीजाणु। तो दो प्रकार के, चल और अचल, ठीक है बच्चों, याद है, क्लियर है, यस सर। ओके, अब देखो ये तो हमारा मुकुलन हो गया, अब अगला जो हमारा, जो अगला हमारा अलैंगिक जनन का जो प्रकार है वो है बच्चों पुनरुद्भवन। अब देखो जो पुनरुद्भवन हमारे कोर्स में नहीं लेंगे, आप थोड़ा जल्दी पढ़ लेंगे, पुनरुद्भवन का मतलब होता है रीजनरेशन, रीजनरेशन, तो रीजनरेशन का अर्थ, एक तो बड़ा जनरेशन का अर्थ होता है विकास या नवीन निर्माण, रीजनरेशन का अर्थ होता है कि किसी भी सजीव का कोई भी विलगित, यानी किसी भी सजीव का कोई भी भाग या टुकड़ा या खंड टूट का अलग हो जाए, ये विखंडन जैसा ही है, विखंडन जैसा ही, अगर आप ध्यान दें, लेकिन इसे पुनरुद्भवन इसलिए कहते हैं क्योंकि पुनरुद्भवन दो प्रकार का होता है, समझो, किसी भी सजीव का कोई भी खोया हुआ, टूटा हुआ या विलगित या नष्ट हुआ अंग अगर पुनः आ जाता है तो उसे भी क्या बोलते हैं, पुनरुद्भवन। और कभी कभार क्या होता है कि कुछ सजीवों में पुनरुद्भवन की जो क्षमता होती है बच्चों, वो एम्फीबिया में ज्यादा होती है, एम्फीबिया की बात हम कर सकते, नॉन कोडेटा में भी ज्यादा होती है, हाइड्रा की भी बात हम करें, प्लेनेरिया की बात इनमें ज्यादा होती है। इनमें क्या होता है, इन जनकों का शरीर से कोई भी विलगित, विलगित का अर्थ होता है बच्चों जिसे अपने पास हम डिलीटेड बोल सकते हैं, डिलीटेड बोल सकते हैं, टूटा हुआ, कि इनके शरीर का कोई भी भाग टूट कर अलग होकर वो भाग एक नवीन सजीव या संतति को जन्म तो देता ही है, साथ ही उनके खोया हुआ जो अंग है वो वापस आता है। ठीक उसी प्रकार जैसे पुनरुत्पन्न की क्षमता हमारे भी है, लेकिन बच्चों हमारे शरीर के पुनरुत्पन्न की क्षमता त्वचा के अंदर है, जैसे बच्चों हम लोग बाल हम काटते हैं या कटवाते हैं तो बाल वापस आते हैं, दैट मीन विल्ग, यानी इसको क्या बोलेंगे, रीजनरेशन। नाखून हम काटते हैं
लेकिन हमारे शरीर के अंदर तवचा में और तवचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है, तुम्हारे शरीर में पुनर उद्भवन की क्षमता केवल क्या है कि हमारे शरीर के अंदर यू कह सकते हैं तवचा या तवचा के व्युत्पन्न जब नष्ट हो जाते हैं यानी काट दिया जाता है तो ये पुनः आ जाते हैं। लेकिन हमारे शरीर के टूटे बाल से या टूटे नाखून से क्या नवीन मानव उत्पन्न हो सकते हैं? तो नहीं। तो मतलब ये होता है कि पुनरुद्भवन दो प्रकार होता है, एक तो कौन सा कि किसी भी सजीव द्वारा उसका खोया हुआ नष्ट या विलगित अंग पुनः आ जाना भी पुनरुद्भवन कहलाता है। और कभी कभार क्या होता है कुछ प्राणियों में, खास तो प्लेन एरिया की बात हम करें, हाइड्रा की बात हम करें, इनमें क्या होता है बच्चों, इनके शरीर का कोई भाग टूटकर अलग हो जाए, ठीक है, और अलग होकर वो भाग क्या करते हैं एक नवीन संतति को जन्म दे। तो यहां पुनरुद्भवन का प्रकार हम किस में पढ़ रहे हैं? नवीन संतति यानी जनन के रूप में पढ़ रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पुनरुद्भवन की क्षमता किस में पाई जाती है? सभी में। जैसे एक एग्जाम्पल बता रहा हूं बच्चों, आपको ध्यान दीजिए एक बार कि पुनरुद्भवन का वैसे प्रकार कई प्रकार होता है, रूपांतरण होता है, अभिरूपांतरण होता है, कि कई प्रकार विषम होता है, ये अभी आप हमारे कोर्स में नहीं, कई प्रकार होता है, आप इसको ध्यान दो। जैसे छिपकली देखिए बच्चे, आप लोग अपने घर में लिजाट होती है ना सबके घरों में, यस सर, कई बार देखो बच्चों छिपकली को जब कभी हम भगाते हैं तो भागम भाग में झाड़ू के लगने से छिपकली की पूंछ टूट जाती है, तो छिपकली को टूट कर गिर जाने का अर्थ उसमें मोमेंट होते हैं और हम उसको देख रहे थे, छिपकली वहां से रफू चक्कर हो जाती है, तो कुछ दिनों बाद वही छिपकली हम देखते तो उसकी छिपकली में टूटी हुई पूंछ वापस आ जाती है, तो वो कौन सा प्रोसेस है? लेकिन क्या छिपकली क्या उसी प्रकार सेलेमेंडर की बात हम करें, सेलेमेंडर में भी क्या होता है कि उसकी अगर किसी भुजा को हम काट दें तो कुछ दिनों बाद वो भुजा वापस आ जाती है। तो आपने क्या देखा कि पुनरुद्भवन का अर्थ होता है कि किसी सजीव के खोए या नष्ट हुए अंग का पुनः आने की क्रिया को पुनरुद्भवन कहते हैं। और पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे ज्यादा अगर बात हम कोडेटा की बात हम करें तो एमपीपी में सबसे अच्छी होती है, लेकिन उसी खोए हुए भाग से नवीन संतति की उत्पत्ति होना एलिंगी जनन का एक प्रकार है जिसे हम क्या बोलते हैं पुनः रुद्भवन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हमारे में भी क्या? हाँ, लेकिन हमारे में पुनरुद्भवन विधि से क्या जनन होता है क्या? नहीं, हमारे केवल पुनरुद्भवन से हमारे त्वचा के घाव करते हैं, देखा होगा जब कब जब ये कट जाते हैं तो कटने के बाद में क्या वापस वहां पर नवीन कोशिकाएं बनती है क्या? हाँ। तो आपके त्वचा की बात हम करें, आपकी जीभ की बात हम करें, या जब कभी किसी व्यक्ति में ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के बाद में शरीर को काटा जाता है और फिर वापस उसको टांके लगाती है, दो चार महीने बाद में वो चीज वापस बंद हो जाती है। नाखून आपके सामने, आपके बाल की बात हम करें, तो ये कौन सी प्रक्रिया है? पुनरुद्भवन। लेकिन अब इसमें ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे आपको, मैं जल्दी एग्जाम्पल एक बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दें। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया प्लेटियल मेंटिस संघ के जंतु, उसमें क्या होता है हाइड्रा, देखो बच्चों एक बता दो, ये प्लेनेरिया ये प्लेनेरिया ये जीव है, ओके। अब बच्चों प्लेनेरिया का ये कौन सा भाग है? सिर, ये मध्य और इसका पूंछ। अगर बात आती है इसके सिर और पूंछ को छोड़कर, ध्यान दीजिए बच्चों, इसके इसके अगर बीच के भागों को, इसके बीच के भागों के अगर हम क्या कर दें बच्चों, टुकड़े कर दें, आप देख पा रहे हो बच्चों, यानी प्लेनेरिया जीव के प्लेटल मेंटिस का अगर हमने इसके छोटे छोटे क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए, ध्यान से सुनना, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब आप देख दो कि प्रत्येक टुकड़े से रीजनरेट होकर, प्रत्येक टुकड़े से रीजनरेट होकर एक छोटे यानी छोटे छोटे प्लेनेरिया, छोटे छोटे प्लेनेरिया का क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। बच्चों समझ आ रहा है क्या? यस सर, यस सर, हां सर। और ये कौन है? प्लेनेरिया, प्लेनेरी। तो आपने क्या देखा कि यहां पर क्या हो रहा है कि प्लेनेरिया के प्रत्येक टुकड़े से या प्रत्येक भाग से एक नवीन प्लेनेरिया पैदा हो रहा है। तो यहां पर प्लेनेरिया नामक ये जनक जो है वो क्या कर रहा है बच्चों? जनन कर रहा है। और जनन की इस विधि का नाम क्या है? रीजनरेशन। ओके, इन दिस प्रोसेस, यानी यू कह सकते हैं इन दिस प्रोसेस की बात हम कर सकते हैं कि जो भी किसी भी एनिमल का जो डिलेटेड सेगमेंट होता है, फ्रेगमेंट होता है, वो क्या होता है कि सेपरेट द पेरेंट सेल या पेरेंट, यू कह सकते हैं पेरेंट से सेपरेट होता है एंड रीजनरेट ए न्यू ऑफस्प्रिंग, दिस इज प्रोसेस कॉल्ड रीजनरेशन, उसे हम रीजनरेशन कहते हैं। समझ आ गया आपके? यस सर, यस सर। पुनरुद्भवन के प्रकार दो लिखोगे, वैसे तो बच्चों चार पांच प्रकार होते हैं लेकिन आप जनरेट दो। एक तो क्या, किसी सजीव या जनक के, जनक नहीं बोलेंगे, सजीव के किसी खोए हुए भाग का पुनः आ जाना, ओके, उसका एक जवाब लिख सकते हो छिपकली, सेलामेंडर और मानव, मानव की त्वचा, मानव के बाल, मानव के नाखून, ये दोबारा वापस आ जाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि बच्चों हमारे शरीर का कोई बाल टूट के नीचे गिरा और नवीन सजीव, अगर ऐसा होता है बच्चों पर डे हमारे एवरेजन 15 बाल गिरते हैं,
तो सोचो आज्ञा के बाल गिरते पीछे पीछे मानो कि बच्चे पैदा होते, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, आप सोचिए थोड़ा सा, मजाक की बात नहीं, अगर हर प्राणी के अंदर बाल से ही अगर उसकी उत्पत्ति होने लगती नवी संतति की, तो कॉमनली बात ही होता है कि मानव की संतति का पता लगा पाना मुश्किल होता है। ठीक है यस सर। पुनरुत्पन्न का प्रकार आप लिख लोगे, एग्जांपल लिख दोगे प्लेनेरिया हाइड्रा। हाइड्रा मैं और बताऊं आपको, भी हाइड्रा भी बनाया मैंने आपको, हाइड्रा सिलेंटेडा संघ का जीव है, इस पर से पाए जाते हैं। उसको उसके टुकड़े कर दूं या उसके टुकड़े काट दें, यार हाइड्रा में देखा होगा उसकी एक भुजा टूट कर अगर अलग हो जाए तो वो भुजा वापस ना केवल वापस आती बल्कि टूटी हुई भुजा से नवीन हाइड्रा भी पैदा होता है। लेकिन फर्क है, मुकुलन में तो मुकुल बनती है, मुकुल में तो मुकुलन बनती है, लेकिन पुनरुत्पन्न संतान क्या होता है, उसके शरीर का कोई भाग या उसकी भुजा टूटकर अलग हो जाए तो टूटी हुई भुजा भी वापस आएगी, ओके, और टूटी हुई भुजा से नया हाइड्रा भी पैदा होगा। समझ आ गए ये डायग्राम, मैं समझाऊं या समझ आ रहा आपके? यस सर, आ गया सर। एल्बस में है भी नहीं, तो एग्जांपल याद कर लो प्लेनेरिया और क्या बोलते हैं हाइड्रा लिख लोगे, और साफ यू कह सकते हैं कि सेलेमेंडर भी है, छिपकली रहे, लेकिन ये पुनः रुद्रभवन की संता सभी प्राणी में पाई जाती है, किसी में कम किसी में ज्यादा। तो मानव में पुनरुद्भवन की संता केवल कौन से अंग में? तवचा, ओके, और बाल और नाखून हमारे तवचा के डेरिवेटेड है, तवचा की व्युत्पन्न। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये कर लिया आप लोगों ने, अब आगे और जल्दी बीजाणु, ओके बच्चों, अब जो बीजाणु की बात हम करें, ध्यान सुनिए, बीजाणु, बीजाणु द्वारा एलिंगी जनन। अब बीजाणु द्वारा एलिंगी जनन बच्चों किन किन में होता है? कवक है, शैवाल है, तो ब्रायोफाइट, ओके बच्चों, कॉमन की बात सर, आप समझ पा रहे होंगे, बीजाणु या ओके। अब शैवाल में एग्जाम्पल ले तो शैवाल की बात हम करते हैं, यूलोथ्री यानी यू कह सकते हैं, कवक में भी ले सकते हैं, एस्ट्रोमाइसिन या बैसिडियोमाइसिन ले सकते हैं, यूलोथ्रिक्स में ले सकते हैं, लेकिन शैवाल का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं। जैसे बच्चों एक कोशिकीय क्लेमाइडोमोनास, ये ध्यान दो, क्लेमाइडोमोनास ये बच्चों एक यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर एल्गी होती है, सॉरी एल्गी, ओके। अब कैसे होता है ध्यान दो, ये एक नाशपति की आकृति का, ओके बच्चों, और ये अपने आप में एक चल, इसके दो कसाबी का होती है, समझ आ रहा होगा आपके, देखो ओके, ये द्वि कसाबी का है और ये इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, जो प्यालिनुमा क्लोरोप्लास्ट होता है, और बाकी सारे कोशिका, यानी अपने में ये एक कोशी शैवाल है बच्चों, एक कोशी शैवाल है, और ये यहां पर इसकी नेत्र है, ओके, और ये इसके ये क्या बच्चों, कसाबिका, कसाबिका फ्लैजला, ओके, इसीलिए कैसा शैवाल है, चल है, ओके, दिख रहे हैं। अब होता है क्या बच्चों, ये क्लेमाइडोमोनास जब जनन करता है लेंगे तो एक्चुअली क्या करता है, उस समय क्या होता है, इसके शरीर के अंदर जो इसका केंद्रक होता है, यानी इसका केंद्रक बारंबार समझो विभाजन करेगा, सिंपल समझो, और बार बार समझो विभाजन करने से इसमें एक केंद्रक से अनेक केंद्रक हो जाएंगे, ओके, समझ आ रहा है ओके। जब और ये कितने कोशिकीय शैवाल है, एक एक कोशिकीय लाइक अमीबा पैरामीसियम की तरह, ओके, ये चल है, मूवमेंट करता है क्योंकि इसमें कसाबिका पाई जाती है। अब होता है बच्चों की क्लेमाइडोमोनास का जो क्या बोलते हैं केंद्रक है, वो लगातार क्या करता है, समसूत्री विभाजन करता है, ये अपने आप में यूकेरियोटिक कोशिका लगातार समसूत्री विभाजन करता है, जिसे एक केंद्रक से दो, दो से चार, आठ, सोलह, बत्तीस, चौसठ अनेक केंद्र हो जाए, और वो केंद्र क्या पर, यानी इसकी परिधि पर, कहां पर जो इसकी परिधि व्यक्त हो जाते हैं। तत्पश्चात क्या होता है, इस क्लेमाइडोमोनास का जो कोशदर होता है, इसका कुछ कुछ भाग, यानी थोड़ा थोड़ा भाग प्रत्येक केंद्र के चारों ओर व्यवस्थित हो जाता है। बच्चों आप समझ पा रहे हैं क्या, प्रत्येक केंद्र के चारों ओर थोड़ा थोड़ा कोशदर इकट्ठा हो जाते हैं, समझ आ गए, आ रहे समझ बच्चों, आ रहे yes, सर। अब इस बात क्या होगा कि yes, क्लेमाइडोमोनास की भित्ति, यानी और ये कब क्लेमाइडोमोनास है ना, ये कब होता है बच्चों, जब क्लेमाइडोमोनास अपनी कसाबिकाओं को त्याग कर गोल हो जाता है, और ये प्रति ये करनी होती प्रतिकूल, ये ध्यान दो। ज्यादातर एलिंगी जनन बच्चों, एलिंगी जनन को इस प्राणी अनुकूलित करते, कभी कभार प्रतिकूल करते। अब क्या होगा, क्लेमाइडोमोनास क्या करेगा, इसकी भित्ति फटेगी और ये छोटे छोटे टुकड़े बाहर आ जाएंगे, ऐसे समझ आ रहा है क्या, यानी प्रत्येक टुकड़े में केंद्र को जीत रहे हैं, आप ध्यान दीजिए,
अब कॉमन सी बात क्या होगा, इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों में, इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों की बात हम करें, इनमें छोटे छोटे किसका विकास हो जाएगा, कशाभिकाओं का निर्माण हो जाएगा। ओके, और कशाभिकाओं का निर्माण किससे होगा, जीव कोशिका द्रव्य से। कॉमन सी बात समझो, आपको शाभिका पक्षमाप इनका निर्माण किससे होता बच्चो, अभी छोटे छोटे कशाभिका में यू कह सकते हैं, ये क्या आगे बच्चों छोटी छोटी कशाभिका आने से अभी क्या बन गए, चल गति कर सकते हैं, किसमें गति कर सकते हैं, जल में, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे, चल बीजाणु बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चल बीजाणु। और प्रत्येक छोटे से बीजाणु से, प्रत्येक छोटे से बीजाणु से वृद्धि करके नए क्लेमाइडोमोनास का निर्माण होता है। इस प्रकार एक क्लेमाइडोमोनास, एक क्लेमाइडोमोनास से कई क्लेमाइडोमोनास संततियों का जन्म होता है, और इस जनन का प्रकार किसे हुआ, बीजाणु से। अभी बीजाणु या तो कैसे बच्चों, चल या फिर क्या होंगे, अचल। समझ आ रहा है क्या आपकी? बीजाणु करते स्पोर, और बीजाणु क्या बच्चों, एलैंगिक जनन। जो अगर ये युग्मक होता, ध्यान, एक तो था बच्चों जीवाणु, तो बच्चों जीवाणु तो अपने आप में एक जीव है, और बीजाणु एलैंगिक जनन के द्वारा बनने वाली एक संरचना है। जैसे लैंगिक जनन की संरचना को हम बोलते हैं बच्चों बीज, याद रहे बच्चों बीज, तो बीज कौन सी संरचना है, लैंगिक संरचना। किसी भी पादप की लैंगिक जनन की सबसे आखिरी संरचना का नाम बताओ, बीज। दिमाग को बैठा लो, लैंगिक जनन करने वाले किसी पादप में सबसे आखिरी संरचना क्या बनती है, बीज। पहली क्या बनती है, लैंगिक कलिका, फिर पुष्प, फिर फल, और फिर बीज। तो बीज लैंगिक जनन की सबसे आखिरी संरचना होती है, ध्यान दोगे। एलैंगिक जनन में सजनों को आप क्या, आपने क्या नाम दिया बच्चों इनको, स्पोर, S-P-O-R, स्पोर यानी बीजाणु। और देयर आर टू टाइप ऑफ द, या टू काइंड ऑफ द स्पोर्स, मोटाइल और नॉन मोटाइल, मतलब चल और अचल। अगर ये चल है, कशाभिका है बच्चों, दिख रहा है क्या, कशाभिकाएं हैं जिनकी सहायता ये क्या करते हैं, गति का, क्यों, गति के आधार पर प्राणी गति सजने क्या क्या छुना होगा अपने, गति की सजने कूटपाद, कशाभिकाएं, पक्षमाप और मसल्स। तो हम लोग गति किससे करते बताओ, हम किसे गति करते हैं, मसल्स से। वेरी गुड, जबकि जवाब क्या होता है, ज्यादातर हम तो पैर से गति करते हैं, जबकि गलत है। मैं बोल रहा हूँ, मेरा अंगूठा मैं लिख रहा हूँ, ये सब गति तो है बच्चों। तो बाकी सारे प्राणी किसे गति करते हैं, मसल से। अब आप उसे पक्षी किसे गति करते हैं, तो बोलो पंख, तो गलत है, पंख से नहीं, मसल से गति करते हैं। ओके, तो गति करने वाले सरसे चार ये बच्चों, कूटपाद, अमीबा में देखा होगा कूटपाद जो किसे बनती है, जीव द्रव्य से, पक्षमाप जीव द्रव्य से, पक्षमाप मतलब पैरामीशियम में। ओके, कशाभिका है, क्लेमाइडोमोनास देख रहे हो आपके सामने, क्लेमाइडोमोनास अगर आपके सामने, वॉल्वोक्स की बात हम करें, तो ये सब के सब ये किससे गति करते हैं, कशाभिकाओं से, कशाभिका फ्लैजला। और फिर बाकी बच्चों, बाकी जीवों में क्या होता है, मसल्स, पेशियम। तो गति करने वाले सजें कितने प्रकार की बांटी गई है, चार। ओके, अब ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए, बीजाणु दो प्रकार होते, चल और अचल। अगर इन बीजाणु, जो बच्चों अगर बीजाणु देखो, ये बीजाणु बना ये, ओके, अगर इस बीजाणु के अंदर, अगर इस बीजाणु में केंद्रक है, और इससे यू कह सकते हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार की कशाभिका नहीं है, तो इसे आपने क्या नाम दे दिया, अचल बीजाणु। और अगर यह है तो क्या नाम, चल बीजाणु। ओके, तो चल का मतलब जो क्या कर सकते हैं, गति, और गति का, लेकिन गति कौन से माध्यम करेंगे, हमेशा जलिए। लेकिन ये इतने छोटे होते बच्चों की वी कांट सी, ओके, वी कांट सी नेक्ड आइज, यानी हमारी नग्न आंखों से इन्हें नहीं देख सकते, लेकिन इसका मतलब होते तो है ना, होते हैं। यस यस सर, यस सर। बस वही बात है कि एलैंगिक जनन की इस प्रकार की विधि का नाम क्या होगा, बीजाणु द्वारा एलैंगिक जनन, पर इतना फर्क है। और एग्जाम क्या है, सेवाल, कवक, ब्रायोफाइटा। एग्जाम आपके यहां क्लेमाइडोमोनास है, उडोगोनी में यूलोथ्रिक्स का भी आ सकता है। ओके, तो आपको याद हो गया, समझ लिख पाओगे, यस सर, यस सर। अच्छा, अब इसी प्रकार, इसी में ज्यादा टाइम ना खराब, इसी प्रकार की बीजाणु प्रकार की संरचनाओं को हम आगे क्या बोल सकते हैं, कुछ में क्या बोल सकते हैं, कोनोडिया, कोनोडिया। अब जो कोनोडिया बीजाणु के लिए इतना फर्क है, भाई इतना है कि ये कोनोडिया जो होती है, यानी कह सकते हैं ये भी सेवालों में बन सकती है, और इनको हम कोनोडिया क्या बोलते हैं, क्योंकि ये गोल और अचल भी दो प्रकार हो सकते हैं, चल और अचल हो सकती है, लेकिन इनको कोनोडिया क्या बोलते हैं, क्योंकि जिस सेवाल ये कवक में बनती है उनका निर्माण विशेष प्रकार के कोनोडिया स्पोर, कोनोडिया स्पोर पर बनती है, कोनोडिया स्पोर पर इनका निर्माण होता है, बस इसीलिए इनको, और ये इस प्रकार के कह सकते हैं, ध्यान दो,
यूलोथ्रेक्स कवक। इस यूलोथ्रेक्स कवक की इस संरचना जिसको थैलस बोलते हैं, क्योंकि कवक के बच्चों कवक और शैवाल के शरीर को हम क्या बोलते हैं, थैलस। और थैलस को आदि में ना, थैलस क्या होता है, जड़ तना और पत्ती के बिना शरीर। तो जड़ तना पत्ती के अभाव वाले पादपों को आप बच्चों क्या बोलते हो, थेलोफाइटा। और थेलोफाइटा पादपों के शरीर को क्या बोलते हैं, थैलस, या फिर कभी सुना हो तो क्या बोलते हैं, सुकाय। बच्चों पादप में जड़ तना पत्ती होती है, लेकिन कवक और शैवाल में नहीं होता। सबसे पहले जड़ीय संरचना का विकास ब्रायोफाइटा, मतलब जिसे हमने नाम दिया था, कल बताया था मूलाभास, रिक्शा में याद करो मूलाभास बताया था बच्चों। Yes, sir. इसका अर्थ हो गया कि सबसे निम्न वर्ग के सबसे लोअर प्लांट, जिन्हें आप अपनी भाषा में बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टो का अर्थ होता है बच्चों, क्रिप्टो का अर्थ है सिंपल सी बात, छिपे हुए सेक्स ऑर्गन, छिपा हुआ विवाह, छिपा हुआ, अभी है ना मिलेंगे तो बताऊंगा। क्रिप्टो का मतलब उनके सेक्स ऑर्गन छिपे होते हैं, कवक शैवाल ब्रायोफाइटा, इनके सेक्स ऑर्गन जो जननांग होते हैं वो इनके थैलस में होते हैं, इनकी बॉडी में होते हैं, ओके। जिन्हें नरपुर बोलते हैं पुंधानी, पुंधानी एंड एंथ्रीडिया, और मादा जननांग को बोलते हैं स्त्री धानी, ओके बच्चों, या फिर बोलते हैं आर्केगोनिया, ओके आर्केगोनिया, अभी इतना बोलते हैं, ओके। और फिर उसके आगे कौन से प्लांट है, ये तो कौन से क्रिप्टो, आगे कौन से फेनरो, तो फेनरोगन प्लांट कौन होंगे, जिनके युक्त जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं यानी जिनमें पुष्प पाए, जिनके सेक्स ऑर्गन पुष्प में पाए जाते हैं, आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी। चलो ये बात हो गई। और ये जननांग किस किस क्रिया में काम आता है, जनन क्रिया में। और हम चैप्टर में कौन सा पढ़ रहे हैं, जनन। और हम जानते हैं किसी भी सजीव में दो प्रकार के अंग होते हैं, जनन अंग यानी लैंगिक अंग और कायिक अंग, ओके बच्चों। कायिक हमारी बॉडी की बात हम करें, हमारी बॉडी के अंदर सेक्स ऑर्गन्स की बात हम करें, वर्षण और अंडाशय को छोड़कर बाकी जो ऑर्गन्स है या बाकी जो सिस्टम है वो सब कौन है, कायिक है। वैसे प्लांट्स में सेक्स ऑर्गन्स कहां पाए जाते हैं, उनके फ्लावर में। लेकिन जो निम्न वर्ग के पादप है यानी जो क्रिप्टोगैम्स है, लिख रहे हो मेरे साथ क्रिप्टो, क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स जो प्लांट्स हैं, थेलोफाइटा ब्रायोफाइटा सुन रहे हो, ओटेडो, इनमें पुष्प नहीं आते बल्कि इनमें जननांग इनके थैलस में ही पाए जाते हैं, जिन्हें पुंधानी और स्त्रीधानी कहते हैं। इतना हमारे पास टाइम नहीं, अब ध्यान दो देखो, ये आपका यूलोथ्रिक्स एक यू कैसे सेवाल है, अब इसके सर में देखो, सॉरी वो कवक है, इसके यहाँ पर इसकी बॉडी पर ये क्या बन रहे बच्चों, ये कौन है, कोनोडधर, यानी इसको बोलते हैं कोनोडियोस्पोर, कोनोडिया, कोनोडियोस्पोर, कोनोडियोधर बोलते हैं कोनोड। और ये क्या बन रहे बच्चों, ये जो संरचना आप देख रहे हैं, इन्हीं संरचनाओं को आपने क्या नाम दे दिया, कोनोडिया। समझ आ, अब ये कोनोडिया क्या होंगे बच्चों, इस जनक से, ये इस मात्र से क्या होंगे, अलग होंगे। अब ये संरचना आपको ऐसे लग रही है जैसे कि सर मुकुल बन रहा है, बस फर्क इतना ही है, फर्क इतना है, मुकुल में और कोनोडिया में फर्क इतना ही है कि मुकुल जो होती है, कॉमन सी बात है, मुकुल और कोनोडिया फर्क इतना ही है बच्चों कि अगर मुकुल रूपी संरचना बनती है तो उसे मुकुलन बोलते थे, और अगर कोनोडिया है तो, लेकिन कोनोडिया के अंदर केंद्रक और जीव द्रव्य का विकास यानी हाथों हाथ होता है, ओके बच्चों। और ये दो प्रकार हो सकते हैं, चल और अचल। अब ये कोनोडिया इस जनक या इस मात्र जनक से अलग होकर, अलग होकर, अरे अलग हो जाएंगे नहीं, समझ आ रहा बच्चों, और किसका निर्माण कर लेंगे, ये नए थैलस का, ये नए थैलस का, मतलब नए कवक का निर्माण कर लेंगे, ओके बच्चों। तो ये कौन हो गया, ये तो हो गया जनक, और ये सब क्या हो गई, संततियां हो गई। अब ये संततियां भी क्या करेगी, वृद्धि करेगी, और वृद्धि करके अपने जनक की तरह ये भी अपने जीवन में क्या करेगी बच्चों, जनन करके नई संततियों को जन्म देने की क्या, और इस विधि का नाम क्या हो गया, कोनोडिया विधि द्वारा अलैंगिक जनन। अपेक्षा है तुम लोगों के समझ में आ रहा होगा, आ रहा है क्या, दिमाग से लिखो ले समझो, जो कायिक जनन भी अलैंगिक जनन, ये प्रश्न आता रहता है हर बार, अब प्रश्न आता है कायिक जनन, जो अब तक जो मैंने बताया कायिक जनन की विधियां कौन कौन सी, फिशन बताए, बाई फिशन, बाई फ्रेगमेंटेशन, बाई बडिंग, ओके, और बाई स्पोर और बाई कोनोडिया, ये तो मैंने बता दिया। अब आखिरी जो आखिरी जो लास्ट प्रोसेस में आपको बताया, लास्ट मेथड जो बता रहा हूं एलैंगिक जनन की, उसका नाम है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोफेगेशन, कायिक जनन, कायिक जनन
अलैंगिक जनन की वह विधि है, इसमें भी बच्चों एक ही जनक भाग लेता है, ध्यान दो, और उसमें भी अर्धसूत्र विभाजन, युग्मक निर्माण और बिना निषेचन की क्रिया के नवीन संतति की उत्पत्ति होती है। अतः कह सकते हैं कि कायिक जनन भी अलैंगिक जनन ही है। अब बच्चों एक बार मुझे एक बार आप लोगों को कोई भी आपका वीडियो दिखाई नहीं दे रहा किसी का भी, आप में एक दो बच्चे अपने वीडियो चालू कीजिए आप लोग, ताकि मैं आपसे दंत मोनिका प्रजापत वेर आर यू, कृतिका मधु, कोई भी बच्चे अपने वीडियो चालू कर दीजिए आप लोग, आयुष गुनकर, आयुष कहें, सोनाक्षी, पूजा, ठीक है जो पूजा आरती, कोमल, निर्मल, आयुष कहें, ठीक है, अमृता, ओके बच्चों ओके, ठीक है। अब ध्यान दो आप लोग, देखो अब एक दो बच्चे बहुत हैं जिससे मुझे लगना चाहिए कि यहाँ सामने कोई बैठा हुआ है, ठीक है, क्योंकि बिना अगर आप लोगों की फोटो से ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई पता नहीं कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। अब ध्यान दो, निर्मल ये ध्यान दे रहा, आयुष और पूजा, बच्चों एक बार ध्यान दो, प्रश्न ये आता है कि कायिक जनन भी, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी अलैंगिक जनन ही है, समझाइए। तो जवाब दोगे, कायिक जनन में भी एक ही जनक द्वारा, एक ही जनक से अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक निर्माण और निषेचन के बिना, सर जो बिना शब्द आखिरी में आ रहा है, यानी यू कह सकते हैं देर आर इन, यू कह सर देर आर नो मियोसिस डिवीजन, नो गैमेट फॉर्मेशन एंड नो फर्टिलाइजेशन, समझ आ रहा है सर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देर आर, समझ आ रहा है, देर आर नो, नो मतलब नहीं है, यानी अलैंगिक जनन में किसी प्रकार का ये तीनों चरण नहीं होते, ओके okay? तो कायिक जनन में भी ऐसा नहीं होता है, और मैंने क्या बोला, हर वो जनन अलैंगिक है बच्चों जिसमें निषेचन क्रिया और युग्मकों का निर्माण नहीं हो, चाहे उसका नाम, चाहे उसका नाम एनिसेक जनन हो, एनिसेक फलन हो, असंग जनन हो और एनिसेक बीजाणु, बताया था मैंने आपको, ओके ये असंगता ये बताऊंगा आपको आगे। तो उसी प्रकार कायिक जनन भी अपने आप में क्या बच्चों, अलैंगिक जनन ही है। अब मैं जल्दी इसमें, लेकिन अभी हम लोग कायिक जनन को ध्यान दीजिए, जो कायिक कायिक प्रवर्धन बच्चों, कायिक वेजिटेटिव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोल दो ये बच्चों, प्रोफेगेशन, एक ही बात है, प्रोफेगेशन, ओके। अब देखो पर्सन, अब ये अब, लेकिन ये हम लोग इसको फड़ किस में रहे बच्चों, एसेक्सुअल में, यानी मोड ऑफ एसेक्सुअल, यानी अभी भी हम लोग एसेक्सुअल जनन के ही प्रकार फड़ रहे हैं, और ये आखिरी। अब बच्चों इसमें ज्यादा टाइम खराब ना करो, सबसे पहली बात है ये अलैंगिक जनन की कायिक प्रवर्धन से जनन कौन करता है, उच्च पादप, आपके जो उच्च पादप जो होते हैं बच्चों, ये मैंने स्टार दो दिन पढ़ा रहा हूं, उच्च पादप जो होते हैं, हाइयर जो प्लांट होते हैं, यानी जो हायर प्लांट्स होते बच्चों, खासतौर पर आपके कौन, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं, ओके बच्चों, उनमें अलैंगिक जनन की विधि पाई जाती है। तो प्रश्न आ गया कि अलैंगिक जनन प्राय करता कौन है, निम्न के करते, निम्न प्राणी करते, निम्न प्राणी करते बच्चों, ध्यान दो, निम्न जंतु पादप करते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन का एक प्रकार, अलैंगिक जनन का एक प्रकार कायिक जनन है जो उच्च पादप में पाया जाता है, हायर प्लांट्स में पाया जाता है सर, नॉट इन हायर एनिमल्स, हमारे में नहीं, हायर प्लांट्स में, ओके समझ आ गया, हायर। तो प्रश्न आ गया कि क्या अलैंगिक जनन उच्च पादप में होता है, तो बिल्कुल व्हाई नॉट होते हैं, क्यों, सम एंजियोस्पर्म प्लांट, हायर प्लांट्स अगर बात हम यू कर सकते हैं, कॉमन सी बात, डू या टैक है ना, कॉमन सी बात है, डू या टैक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई वेजिटेटिव प्रोफेगेशन, यानी वेजिटेटिव लैंगिक जनन से भी वो क्या कर सकते हैं, जनन करते हैं। अब इसमें आता है कि कायिक जनन की परिभाषा क्या होगी, सुन लें एक बार, उच्च पादपों में, उच्च पादप में आप जानते हैं उच्च पादप कौन होता है, एंजियोस्पर्म, जिनमें पुष्प आते हैं, जैसे जो भी पादप आप जानते हैं, लेकिन सभी ये भी, लेकिन सभी उच्च पादप, सभी उच्च पादप, ये ध्यान दोगे, ये ध्यान दोगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नॉट प्रेजेंट, समझ आया, नॉट प्रेजेंट या नॉट अकर इन ऑल हायर प्लांट्स, समझ आ, सभी में नहीं है, आप और गेहूं में है क्या, नहीं, मक्का में है क्या, नहीं, कुछ में, जिनके नाम बता दूंगा,
काई जन्य प्रबोधन क्या होगी? सिंपल काई काई प्रबोधन का क्या अर्थ होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि उच्च पादपों की बात हम करें, पादपों के शरीर के दो भाग होते हैं, जल्दी फड़ो मेरे साथ, कायिक भाग और लैंगिक भाग। लैंगिक भाग कौन से बच्चों? अभी बताया मैंने आपको, पुष्प फल और बीज। इनसे अगर किसी बात में पुष्प बन रहे हैं, फल बन रहे हैं और बीज बन रहे हैं, मतलब वो कौन सा जनन कर रहे हैं? लैंगिक। गेहूं, जो चना, मक्का, बाजरा, सब आप जानते हैं, आम आम नीम नीम, सब जो सब लैंगिक जनन है। जहां पर बीज आ गया, जहां पर फल आ गया, जहां पर पुष्प आ गया। लेकिन कायिक जनन क्या होगा? पादप के यानी उच्च पादपों के कायिक अंगों से, कायिक। ओके, तो बच्चों कायिक अंगों में हम जानते हैं पादप के अंदर दो प्रकार में होते हैं, आप जानते हो, कायिक अंग, कायिक अंग, और दूसरे अंग क्या होते हैं बच्चों? लैंगिक बोल दो या फिर बोल दो जनन अंग। अब जो कायिक अंग में क्या होता है बच्चों, सब जानते हैं, जड़, तना और पत्ती। सुन रहे हो क्या? जड़, तना, पत्ती और कभी कभार क्या कुछ कलिका। ओके ओके, जड़, तना, पत्ती, पंख। ओके, अब जनन अंग में क्या क्या होता है? जनन अंग में क्या क्या होता है बच्चों? जनन अंग की बात हम करें, चलो डायट लिखता हूं। जनन अंग में पहला अंग का नाम क्या है? पुष्प। अब बताओ पुष्प को जननांग क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जान सकते हैं सर, यू कह सकते हैं सेक्स ऑर्गन्स आर प्लांट, सॉरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ हायर प्लांट्स आर अकर या प्रेजेंट, ओके, इन फ्लावर। और फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव या फ्लावर इज द सेक्सुअल पार्ट ऑफ द हायर प्लांट्स। ओके बच्चों, अगर किसी पुष्प के अंदर दोनों जननांग है तो पुष्प क्या होगा बच्चों? द्विलिंगी। ध्यान से सुना, द्विलिंगी। जैसे कि आपका गुड़ैल, सरसों, सुन रहे हैं आप, मटर, बैंगन, टमाटर, ये सब पुष्प कौन से? द्विलिंगी। अगर बच्चों पुष्प द्विलिंगी है, पुष्प द्विलिंगी है, तो पादप भी द्विलिंगी। ओके, अब कुछ पादप होते हैं जिनमें एक लिंगी पुष्प, एक ही प्रकार पुष्प होते हैं, या तो नर या मादा। जैसे कि मक्का, मक्का के शीर्ष पर जो पुष्प लगता है, मक्का के शीर्ष पर जो पुष्प लगता है नर पुष्प है, और उसके कक्ष में जो पुष्प लगता है, कक्ष यानी साइड में नीचे, वो मादा है। अब बताओ बच्चों कौन से पुष्प से निषेचन क्रिया के बाद में फल का निर्माण होगा? मादा। वेरी गुड, मादा पुष्प। मादा। और मादा पुष्प के कौन से भाग से? अंडा से। इसलिए मक्का में भुट्टा कहाँ लगता है बच्चों? बच्चों मक्का में भुट्टा कहाँ लगता है? शीर्ष पर लगता है ना? शीर्ष पर लगता है मक्का में। शीर्ष पर लगता है, कक्ष पर लगता है। तो ये कौन सा नाला ही बोल रहा है? शीर्ष पर कहाँ लगे? शीर्ष पर तो लगता है निर्मल उसके कक्ष में लगता है, ठीक है। शीर्ष में तो बाजरा के लगता है, गेहूं के लगता है, चावल के लगता है, ठीक है। ध्यान दिया तो थोड़ा सा सब्जी का भी ध्यान रखा हो, जो चीज खाते हो ना पता क्या करो कहाँ से आती है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मोनिका पीछे देखो आपकी मम्मी आपके, हाँ अब ध्यान दीजिए आप लोग, चलो टाइम ज्यादा जा रहा है। तो कायिक जनन क्या होगा? उच्च पादपों के कायिक भागों से, कायिक जनन नहीं कायिक, और कायिक मतलब वेजिटेटिव, वे ऑर्गन या अंग जो जनन में भाग नहीं लेते, लेकिन उच्च पादपों में कायिक अंगों से, जड़, तना, पत्ती भी नवीन पादप का निर्माण करती है, ऐसे जनन को क्या बोलेंगे? कायिक जनन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उच्च पादपों में और कायिक जनन किसका प्रकार? मैं फिर कह रहा हूं, कायिक जनन वैसे तो तीसरे प्रकार का जनन है, फिर तुमने कहा सर अभी तो आप दो बता रहे थे, तो सर तीसरे प्रकार का जनन भी आप कह सकते हैं। ये सब में होता है, कवक, शैवाल, ब्रायफाइटा, टेट्रा, सब में होता है, लेकिन ये उच्च में भी होता है। और उच्च हाइयर जो प्लांट्स की बात है, जैसे गन्ना, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, शकरकंद, सुन रहे हो बच्चों मेरे बात? इसके अलावा yes, ये सब में यू कह सकते हैं, अमरूद है, डहलिया है, गुलाबास है, पत्थर चट्टा है, कलौंची है, बिगोनी है, इन सब में पाया जाता है। लेकिन ये एलैंगिक जनन ही है, क्यों? क्योंकि इसमें भी किसी प्रकार से क्या नहीं होता? युग्म निर्माण नहीं होता, अर्धसूत्र विभाजन नहीं होता, निषेचन नहीं होता, और एक ही जनक भाग लेता है। ओके बच्चों, तो कायिक परिभाषा क्या होगी? पादप के कायिक अंगों से होने वाले जनन को कायिक जनन कहते हैं, और ये कायिक जनन एलैंगिक जनन की वो विधि है जो उच्च पादप में पाई जाती है। ओके।